Hey guys, welcome or welcome back to my channel Mao Life. I hope you all are doing great. Guys, आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी ये मेरा क्विक ईजी मेकअप लुक जो कि मैंने सिर्फ 5 मिनट में क्रिएट करा है. उससे ज़्यादा बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा मुझे. एंड इसे आप काइंड ऑफ गो टू मेकअप भी बोल सकते हैं अगर आपको कहीं जाना है या मार्केट जाना है या आपको ऐसा डे टाइम में कहीं पार्टी पर जाना है तो आप ये वाला मेकअप आसानी से क्रिएट कर सकते हैं. तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा स्किन केयर करूँगी. तो स्किन केयर के लिए मैंने सबसे पहले यहाँ पर लिया है सीरम एंड ये है गुड वाइब्स का विटामिन सी एंड ई सीरम. काफ़ी अच्छा सीरम है ये. जो विटामिन सी है वो स्किन को ब्राइट करता है, ग्लो प्रोवाइड करता है. एंड डेली बेसिस पर विटामिन सी हमें लेना चाहिए एज अ फूड और एज अ स्किन के लिए भी. सो देन उसके बाद यहाँ पर मैंने गुड वाइब्स की ही विटामिन सी क्रीम जेल क्रीम यूज़ किया है. सो ये भी काफ़ी अच्छा है. लाइट वेट है एंड जेल बेस है तो ऑयली स्किन वालों के लिए काफ़ी अच्छा है. इसे ड्राई स्किन वाले भी यूज़ कर सकते हैं. नेक्स्ट अब लगाऊंगी मैं प्राइमर. यह है इनसाइट का 3-in-1 प्राइमर जो कि स्किन को प्राइम भी करता है, प्रोटेक्ट करता है एंड मॉइस्चराइज करता है. एंड ये जो वाला जो प्राइमर है ये बहुत ही अच्छे से आपके जो पोर्स है उनको ब्लर कर देता है एंड मेट फिनिश देता है. बिकॉज़ ये सिलिकॉन बेस्ड प्राइमर है तो ऑयली स्किन वालों के लिए काफ़ी अच्छा प्राइमर है. एंड मेरी स्किन ऑयली है तो ये प्राइमर मुझे सबसे ज़्यादा बेस्ट लगता है. देन उसके बाद अब मैं लगाऊंगी लैक्मे की सीसी क्रीम. बिकॉज़ क्विक मेकअप करना है एंड गो टू मेकअप लुक है ये. मतलब बहुत ज़्यादा हेवी नहीं करना है. सो इसलिए यहाँ पर मैं लैक्मे का सीसी क्रीम यूज़ कर रही हूँ. डॉट डॉट करके पूरे फेस पर लगा दूंगी, अंडर आई पे भी लगा दूंगी एंड आई लिड पर भी लगाऊंगी. और मैं इसे अपने फिंगर की हेल्प से ही ब्लेंड करूंगी. कोई ब्यूटी ब्लेंडर या ब्रश वगैरह यूज़ नहीं करूंगी बिकॉज़ ये फिंगर की हेल्प से ही बहुत आसानी से ब्लेंड हो जाता है. एंड नेक पर भी लगाऊंगी. नेक को अवॉइड नहीं करना है नहीं तो आपका नेक एंड फेस दोनों में बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस लगता है. थोड़ा थोड़ा आप ईयर पे भी लगा सकते हैं. सो अच्छे से मैं अपनी फिंगर की हेल्प से ही इसे ब्लेंड कर लूँगी. आप देख सकते हैं कि किस तरीके से एक अच्छा सा ग्लो प्रोवाइड करा है जो ये सीसी क्रीम है इसने. काफ़ी अच्छी क्रीम है ये. सो डेली बेसिस पर आप इसे आसानी से यूज़ कर सकते हैं. तो उसके बाद है फेस को सेट करने के लिए यहाँ पर मैं फेस कैनेडा का कॉम्पैक्ट पाउडर लिया है मैंने और इससे मैं अपने पूरे फेस को अच्छे से सेट कर लूँगी. बिकॉज़ अभी थोड़ा सा मॉनसून वाला मौसम स्टार्ट हो गया है एंड कभी गर्मी कभी चिपचिप सा लगता है फेस पे, थोड़ा सा ऑयली ऑयली सा लगता है, चिपचिप लगता है. तो फेस को सेट करना ज़रूरी है. सो फेस को सेट कर लूँगी. नेक को भी सेट करूँगी. नेक को अवॉइड नहीं करना है. देन उसके बाद ये मैंने ब्लू हेवन का लिप एंड चिक टिंट लिया है एंड इसको मैं हल्का हल्का सा अपनी चिक्स पर, हल्का सा नोज़ पर भी लगाऊंगी एंड ब्रश की हेल्प से अच्छे से इसे मैं ब्लेंड कर लूँगी. आप देख सकते हैं इसने कितना अच्छा ग्लो प्रोवाइड करा है. आपको किसी और ब्लशर या किसी की भी ज़रूरत नहीं है. बस आप हल्का सा ये अपने चिक्स पर लगा ले एंड नोज़ पर लगा ले. इसे आप अपनी आईज़ पर भी लगा सकते हैं. सो काफ़ी अच्छा लगता है. देन उसके बाद यहाँ पर ये कॉम्पैक्ट पाउडर को मैं हल्का हल्का सा फिर से सेट करूँगी बिकॉज़ यहाँ पर मैंने क्रीम प्रोडक्ट यूज़ करा है. सो इसलिए देन अपनी आई मेकअप के लिए ये मैंने वेट एंड वाइल्ड की सिंगल आई शेडो है जो कि थोड़ा सा शिमरी है एंड काफ़ी अच्छा शेड है ये. ब्रॉन्ज काइंड ऑफ शेड है तो इसको मैं हल्का हल्का सा अपने आईलिड पर लगाऊंगी. सिर्फ इसी शेड को लगाऊंगी, उसके अलावा और कोई कुछ भी यूज़ नहीं करूंगी मैं आई मेकअप के लिए. बस सिंपल सा ये मेकअप है. देन उसके बाद अपनी आईब्रोज़ को फिल करूंगी. सो आईब्रोज़ को फिल करने के लिए मैंने मैबेलिन की आईब्रो पेंसिल ली है एंड जहाँ पर भी मेरे गैप्स वगैरह हैं वहाँ पर मैं अच्छे से इसे फिल कर लूँगी एंड काफ़ी अच्छा लुक आ जाता है आईब्रो फिल करने के बाद. देन उसके बाद मस्कारा. तो यहाँ पर मैबेलिन का मस्कारा लिया है मैंने एंड ये वाटरप्रूफ मस्कारा है. सो अगर आप बारिश में भी कहीं जा रहे हैं तो ये नहीं निकलेगा बिकॉज़ ये काफ़ी अच्छा वाटरप्रूफ है. लाइक बहुत ही ज़्यादा है. इसको अगर आप मेकअप रिमूवर से रिमूव करोगे तो ही ये रिमूव होगा, वरना ये नहीं होने वाला है. सो फाइनली अपने लिप्स को पहले लाइन करूँगी मैं एंड ये है स्विस ब्यूटी का लिप लाइनर. इसको इससे मैं अच्छे से अपने लिप्स को पहले लाइन कर लूँगी. देन उसके बाद लगाऊँगी मैं लिपस्टिक.
आप किस तरह से डेली बेसिस पर अपना मेकअप करते हैं सो मुझे ज़रूर बताएं, एंड आपको ये वाला मेकअप लुक कैसा लगा वो भी शेयर करें। सो अब बारी है लिपस्टिक की, तो ये मेबेलिन की लिपस्टिक है, न्यूड लिपस्टिक है, ये न्यूड शेड है एंड काफ़ी प्रिटी शेड है। मैं शेड वगैरह सब कुछ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आपके लिए इजी रहेगा, बिकॉज अभी जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो मुझे बिल्कुल याद नहीं कि कौन सा किसका क्या शेड है। सो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या तो लिंक दे दूंगी या फिर मैं पर्टिकुलर शेड्स वगैरह लिख दूंगी, नोट कर दूंगी। देन उसके बाद यहाँ पर ये मैंने इयररिंग्स पहन लिए हैं जो कि काफ़ी प्रिटी लग रहे हैं, एंड ये मेरा फाइनल फिनिश लुक है। आप लोगों को कैसा लगा मुझे ज़रूर बताएं, एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, हिट द बेल बटन। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, बाय बाय, टेक केयर।